जी भाई, आंगन बना रही है ये, इधर तो बना दिया भाई। और अब तो भाई आपको गांव में भी आंगन देखने को नहीं मिलते, तो आप पहुंचे गांव। और ये देखो भाई, हिमांशु भाई आगे आ गया। चलो भाई, घर की सजावटी के लिए देखो, जैसे ये पन्ने, इधर ये भगवानों की तस्वीर। ये देखो भाई इंस्टा से, भाई तो इंस्टा से काफ़ी लोग जानते भाई। धन्यवाद। कहाँ से हो? पिपलेट। तो ये रही भाई अमीर सर्किल और रणत भवर त्रिनेत्र द्वार। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में भाई मैं निकल रहा हूँ खंडार की तरफ, और खंडार में भाई दिवाली का कैसा माहौल है हर साल की तरह, इस साल भी आपको दिवाली का माहौल दिखाऊंगा मैं। खंडार अगली साल भी दिखाया था, इस साल भी दिखाएंगे। तो खंडार चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे कितनी भीड़ है, कितनी वहाँ पे दुकानों पे भीड़ लगी हुई है, और भाई किस प्रकार वहाँ पे दुकानों पे बिक्री हो रही है, तो सब कुछ दिखाएंगे। चलते हैं खंडार की तरफ, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। हम जो है नहा धो के सामान पैक करके चलते अपने गाँव, और साथ ही साथ आपको खंडार का दिवाली का माहौल दिखाएंगे। तो चलो भाई, तो नहा धो के निकल चुके हैं भाई खंडार की तरफ, और अमीर सर्किल से सीटी, फिर चलते हैं खंडार, और भाई खंडार में जाके दिखाएंगे आपको कैसा माहौल है कैसा नहीं। तो चलते हैं जल्दी से। तो ये रही भाई अमीर सर्किल और रणत भवर त्रिनेत्र द्वार। तो यहाँ से भाई सिटी बस पकड़ के मैं चलता हूँ भाई सिटी में, और फिर वहाँ से हमारी लोकल बस होती है खंडार की तरफ जाने वाली, ग्वालियर खंडार की तरफ, तो उसको पकड़ के फिर चलते भाई। तो आप पहुँचा हुआ सिटी, और ये खड़ी हमारी एक्सप्रेस बस, और अब चलते हैं खंडार और फिर करते हैं वीडियो को शुरू खंडार से। तो भाई आप पहुँचे खंडार, और अब चलते हैं बाजार की तरफ, बाजार का क्या माहौल है वो दिखाएंगे अब। और देखो भाई ट्रैफिक खंडार में भी, भाई ये जो आपको दृश्य दिख रहा है यही है खंडार बस, यही बाजार है सारा, सब्जी मंडी, कपड़े वपड़े सब यहीं पर मिलते हैं। तो चलते आगे, देखो भाई हमारे खंडार में भाई कैसे जाते हैं, कहीं कहीं गाँवों में ऐसे भी जाती है भाई जीवे ये। और इधर है भाई बस स्टैंड यहाँ से, तो इधर की साइड है बस स्टैंड, और इधर से आपको श्योपुर और सवाई माधोपुर जयपुर के लिए बस मिलेगी। मेरे को जाना है बाजार की तरफ, तो चलता हूँ बाजार की तरफ। और ट्रैफिक देखो भाई एक बार, तो चलते हैं बाजार और दिखाते हैं भाई खंडार में कितनी भीड़ है। देखो आपको वीडियो में दिख रही होगी, और ये सारा दृश्य दिख रहा है यही है भाई बाजार, यहीं पे सब कुछ मिलता है भाई, जैसे कपड़े लेने आपको। तो मैं चलता हूँ निरंतर आगे, और आगे का दृश्य दिखाता हूँ आपको। गाइज इधर है खंडार में भाई ये कटला टाइप का, इसमें भाई सब मिलते हैं, लड़कियों के लड़कों के सबके कपड़े। और भाई एक बार ट्रैफिक देखो कितना ट्रैफिक है अभी तक भी। तो भाई खंडार में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है इस साल। इधर देखो भाई मटकिया भी है, और आगे चलते हैं अभी तो। और भाई यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सजा हुआ है बाजार, और भाई सवाई माधोपुर की अपेक्षा मेरे को यहाँ पे और अच्छा लग रहा है भाई, अपनी तहसील में खंडार तहसील में। देखो भाई, और इधर देखो बुजुर्ग आदमी अपने पशुओं के लिए, गाय भैंसों के लिए भाई कुछ देख रहे हैं। देखो ही गाय जी सब है ना, अपनी गाय भैंस इनके लिए भाई देख रहे हैं कुछ घंटी। हाँ भाई साहब, कि देखो भाई इंस्टा से, भाई तो इंस्टा से काफी लोग जानते भाई। धन्यवाद। कहाँ से हो? पिपलेट। भाई ये मेरी तरफ कही है। तो ये देखो भाई सब बढ़िया भाई, ये भाई कुछ ना कुछ देख रहे हैं भाई। और दिवाली के दिन भाई गाय भैंसे जो है पूजती है, तो उनके लिए सब सामान देख रहे हैं, उनको भाई अच्छे से सजाते हैं, वो भी ब्लॉग आपके सामने आएगा। तो अब चलता हूँ निरंतर आगे,
और भाई यहाँ पे तो ये ज़्यादा मिल रहे हैं कुछ कंडे घंटिया, क्योंकि भाई गाय भैंसों की जो सजावट है उसका सामान ज़्यादा है यहाँ पे। ये देखो भाई बच्चों के लिए चप्पल जूते सब, तो लगभग भाई सब चीजें हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। और ये देखो भाई घर की सजावटी के लिए देखो, जैसे ये पन्ने, इधर ये भगवानों की तस्वीर, तो सब कुछ है इधर भी। भाई मेरे को सवाई माधोपुर की अपेक्षा यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है भाई, देखो भाई। और ये भाई साहब हमारे फॉलोअर्स है। तो भाई जब चलता हूँ आगे, और ये है भाई खंडार का भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो सब कुछ भाई इसी लाइन में, यानी हॉस्पिटल पंचायत सब। और देखो ये मटकी, दीपक, गुल्लक, ये सब यहाँ पे ज़्यादा उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो है गाँव के क्षेत्र के लोग ज़्यादा है भाई हमारे इधर। और इधर सामने सब्जी मंडी, तो वहाँ तक जाके फिर आएंगे वापस। तो गाइज भाई ये है खंडार की सब्जी मंडी, देख लो आप, और इसके अंदर है सब्जी मंडी। तो ये सारी सब्जी मंडी है, यहाँ से भाई इधर तक यानी पूरा वहाँ तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल पंचायत समिति सब कुछ भाई इसमें ही है। तो ये सारी लंबी लाइन है ना, तो यही है हमारा खंडार। और चलता हूँ अब आगे। गाय जी देखो भाई ये कलर है भाई, कल ये रंग है भाई कलर। तो जब भाई हमारी गाय भैंसे जब सजती है ना, तो कलर से भाई उन पर सजावटी का काम किया जाता है। तो ये सब मिल रहा है यहाँ पे। तो और अब मेरे को घर पे जाना होगा, क्योंकि भाई घर वालों से मिलना है। तो ये सब ज़्यादा है यहाँ पे, जैसे गाय भैंसों की सजावटी का सामान और दीपक, मटकी, गुल्लक, ये ज़्यादा है भाई। और भीड़ देखो आप, हर कोई दुकान पे भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। जो लोग ये सवाई माधोपुर से देख रहे हैं उनको भाई पता लग गया होगा कि खंडार में भाई कितनी जनसंख्या है। तो भाई ये है मेरे फूफा जी की दुकान, और ये देखो भाई राजेंद्र ढोन मिल चुका है भुआजी का लड़का, और यही माहौल है भाई। तो गाइज ये था भाई हमारे खंडार का दिवाली का माहौल। और भाई यहाँ पे जो है जो गाय भैंस है उनकी सजावटी का सामान, मटकी, दीपक, ये सब चीज़ें ज़्यादा है। कपड़े वपड़े की दुकान सब दुकान है, आपने देखा होगा वीडियो में कि कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो अब चलते हैं घर पे और घर वालों से मिलते हैं भाई, क्योंकि काफ़ी देर हो गई यहाँ पे। तो चलो फिर चलते हैं घर पे। तो आप पहुँचे गाँव, और ये देखो भाई हिमांशु भाई आगे आ गया, चलो भाई। और देखो भाई बालकों को देखो आप, तो भाई भाग के आ रहे इधर। तो भाई दिवाली का माहौल है, और ये सब भाई वेट करते रहते हैं मेरा, देखो भाई। तो ये है मेरा छोटा सा गांव, और ये सारे बालक भाई वेट करते रहते हैं। और इधर भाई दादाजी ये रही भाई दादाजी, नमस्कार सर। भैया हैप्पी दिवाली बोल दो एक बार, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली का ही हुए दिवाली का राम राम सबको, राम 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 भाई सबको दिवाली का। और ये देखो भाई सब वेट करते रहते हैं। तो भाई पहले तो बैग को रखता हूँ, और ये देखो हिमांशु भाई मिट्टी में खेल रहा था। और इधर देखो भाई जी जी भाई आंगन बना रही है ये, इधर तो बना दिया भाई। और अब तो भाई आपको गाँव में भी आंगन देखने को नहीं मिलते, पहले तो मिलते थे, और जी जी अभी बनाने में लगी हुई है। तो यहाँ पे बनेगा अभी तो, और ऐसा बनेगा भाई आंगन ये ऐसा। अब इसमें भाई फूल और बनेंगे, वो भी दिखाऊंगा आपको। जी जी भाई फूल बनाएंगे अच्छा सा। तो भाई दिवाली का माहौल है, तो ऐसी चीज़ें करना भाई जायज़ है गांव में। अब तो भाई सब जो है सीमेंट के जो है ऐसे भाई फड़स करने लग गए, ऐसा भाई चूल्हा भी देखने को नहीं मिलता अभी तो, पर हमारे गांव में अभी भी उपलब्ध है भाई। ऐसी संस्कृति को बचा के रखा है ऐसे आदमियों ने, इन्होंने तो इन्होंने भाई ऐसी संस्कृति को अभी बचा के रखा हुआ है। आ गए गांव, और कल भाई आपको गांव का बहुत ही अच्छा ब्लॉग मिलेगा, और कल गांव को एक्सप्लोर करवाएंगे दिवाली का यहाँ पे कैसा माहौल है कैसा नहीं। तो कल का ब्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होगा, और दिवाली तक भाई गाँव से ब्लॉग आएंगे, गाँव से ही रील आएगी। तो जो जो मेरे से इंस्टा पे जुड़े हुए हैं तो सब कुछ गांव से आएगा, ब्लॉग रील सब। तो आप इंतज़ार करें, इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना,
और चैनल अगर न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।